नमस्कार, मैं डॉक्टर रतिया। आज मैं आपको गर्भ संस्कार के बारे में बताऊंगी। देखिए, आजकल होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे कपल्स रहते हैं जिनको प्रेगनेंसी कंसीव्ड होती है। प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है तो घर में एक माहौल ही अलग हो जाता है, काफ़ी खुशहाली उनकी लाइफ में आ जाती है, काफ़ी सारी प्लानिंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है कि हम बच्चे के लिए ये करेंगे, बच्चे के लिए एजुकेशन ऐसा प्लान करेंगे। देखिए, गर्भ संस्कार के बारे में जो मैं बताने जा रही हूँ, अगर ये आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही कुछ ऐसी चीज़ों को फॉलो करें जिससे कि आपका बच्चा गुणवान, सुंदर और काफ़ी तेजस्वी पैदा हो सकता है। करना क्या है, देखिए, आयुर्वेदा के अनुसार गर्भ संस्कार विधि एक बहुत ही अच्छी, उत्तम मानी गई है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर गर्भ संस्कार की विधियों को फॉलो किया जाए तो माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। और इवन गर्भ संस्कार विधि को फॉलो करने से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अपने बच्चे के व्यवहार को दूसरों से अलग भी कर सकते हैं। और इस दौरान करना क्या होता है कि ड्यूरिंग जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई है जिस लेडी को, जिस महिला को, उन दिनों में उस महिला के आसपास के व्यवहार को चेंज करना पड़ता है, उसका माहौल अच्छा रखना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें मंत्र है, कुछ ऐसे पाठ है, कुछ आध्यात्मिक गुण है जिन चीज़ों को उसको टाइमली 9 महीने तक फॉलो करना होता है, तो उस चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो को देखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं जिससे कि आपको इसी प्रकार की वीडियोस की कई तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि गर्भ संस्कार होता क्या है, क्या है गर्भ संस्कार, कैसे गर्भ संस्कार को फॉलो करने से हम अपने बच्चे को तेजस्वी, सुंदर और गुणवान बना सकते हैं। गर्भ संस्कार क्या है, महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान शिशु को गर्भ संस्कार दे सकती है। महाभारत ग्रंथ में इस विधि का जिक्र किया गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो गर्भ में पल रहे शिशु माता के वातावरण से काफी कुछ सीखता है, यहाँ तक कि उनके मूड व्यवहार का असर भी भ्रूण पर पड़ता है। कब से शुरू होती है ये गर्भ संस्कार विधि और कब हमें फॉलो करनी चाहिए? एज पर मेडिकल साइंस देखा जाए तो 3 तिमाही यानी कि 3रे महीने तक भ्रूण का दिमागी विकास शुरू हो जाता है। इसी अनुसार गर्भ संस्कार विधि से अच्छे आहार, आध्यात्मिक ज्ञान और संगीत से जोड़ सकते हैं हम उस महिला को। ध्यान रखें कि उस दौरान आप अच्छा खाएं, अच्छा म्यूजिक सुने और योगाभ्यास जरूर करें। क्यों? योग, संगीत और आहार से शिशु पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। गर्भ संस्कार विधि में संगीत एक अहम रोल प्ले करता है। कैसे? क्योंकि अच्छे संगीत से भ्रूण भी पॉजिटिव हो जाता है। आप आध्यात्मिक गाने, श्लोक या मंत्र भी सुन सकते हैं। गर्भ संस्कार विधि में आध्यात्मिक और पॉजिटिव किताबें पढ़ने की सलाह हम उस महिला को देते हैं जिससे कि शिशु के दिमागी विकास पर बेहतरीन तरीके से प्रभाव पड़ता है और वह भविष्य में काफी बुद्धिमान बनता है। महिलाओं के साथ साथ इससे भ्रूण भी स्ट्रेस फ्री हो जाता है। साथ ही साथ इसमें महिलाओं को डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे समस्याएं बिल्कुल नहीं होती। देखिए, ये जो गर्भ संस्कार बता रही हूँ, इस चीज़ से पेशेंट्स को, उन महिलाओं को काफ़ी रिलैक्स फील होता है। और ये हमने 3 तिमाही से लेके 9 मंथ्स तक, जब तक बच्चा डिलीवर्ड नहीं होता तब तक हमें करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि गर्भ संस्कार से हमें फ़ायदा क्या होता है, क्या सही मायने में गर्भ संस्कार को फॉलो करने से शिशु पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। गर्भ संस्कार से बहुत सारे लाभ है, जैसे गर्भ संस्कार से होने वाले बच्चे के दिमाग का तो विकास होता है और बच्चा जन्म से ही बुद्धिमान बनता है। डॉक्टर ऐसा मानते हैं कि होने वाला बच्चा व्यवहार से गुणी बनता और उसमें जन्म से ही अच्छी आदतें आती है। योग, संगीत और आहार का सकारात्मक असर बच्चे पर पड़ता है। गर्भ संस्कार विधि माँ को तनाव मुक्त रखती है, माँ और बच्चे का मन शांत रहता है जिससे डिलीवरी के दौरान किसी भी तरह की परेशानी उस महिला को नहीं आती। और हर घर में किसी न किसी वजह से कोई लोग परेशान रहते हैं, पर गर्भ संस्कार विधि से नकारात्मक शक्ति का असर माँ और बच्चे पर नहीं पड़ता। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, यानी कि इम्यूनिटी, विल पावर कम हो जाती है और बीमारियां शरीर में जगह बनाने की कोशिश करती है। पर अगर आप इस विधि को अपनाओगे तो आपको या बच्चे को किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। ये विधि माँ और बच्चे के बीच में एक मजबूत रिश्ते को जन्म देती है। और इससे तो ये लाभ तो हो गया, और एक आखिरी चीज बताना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा आहार लेना ना भूले। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिच विटामिन, मिनरल्स, ऐसे डाइट युक्त आहार लेना चाहिए जैसे दही, घी, मक्खन,
कैल्शियम जरूर ले प्रेगनेंसी में, जो आपके कई तरह के बॉडी के हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है, बीपी को भी कंट्रोल करता है। तो ये था आज का मेरा वीडियो गर्भ संस्कार के बारे में। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा गुणवान, सुंदर, तेजस्वी दिमाग का हो, तो गर्भ संस्कार विधि को जरूर फॉलो करें, क्यों आजकल की रोजमर्रा लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस लाइफ ऐसा बढ़ गया है कि जिससे कि माँ तो उसमें ग्रस्त होती है, बट माँ के साथ साथ बच्चे पर भी असर होता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा गुणवान नहीं हो, अच्छा बुद्धिमान हो, तो गर्भ संस्कार विधि को फॉलो करें, तो जिससे कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और डिलीवरी के समय माँ को किसी भी तरह का कोई भी ट्रबल ना हो। अगर आपको अगर प्रेगनेंसी के दौरान लास्ट मैसेज देना चाहूंगी, अगर प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही, तो आयुर्वेदा में इस चीज का इलाज संभव है। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क करें और अपना इलाज संपूर्ण करें। धन्यवाद।